दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बोनलेस फ्राई। चिकन बोनलेस फ्राई तो आपने बहुत तरीके खाया होगा, मगर इस तरीके के चिकन बोनलेस फ्राई आपने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो फिर चलिए देर किस बात की, जल्दी से बनाते हैं चिकन बोनलेस फ्राई। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आपका दानिश फूडी हिंदी में। चिकन बोनलेस फ्राई बनाने के लिए ये हमने 700 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और हमने एक एक पीसेस अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। तो चलिए अब हम चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच पिसा मिर्चा, फिर हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच पिसा गरम मसाला, फिर हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच चिकन फ्राई मसाला, फिर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच बिरयानी मसाला, फिर हम ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, फिर हम ऐड कर देंगे रेड ऑरेंज फूड कलर तकरीबन 2 पिंच, फिर हम ऐड कर देंगे बेसन, ये हमने भुना हुआ बेसन लिया है, बेसन हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, नमक हमें इसमें ऐड करना है स्वाद अनुसार, फिर हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच, फिर हम ऐड कर देंगे 1 नींबू का रस। तो चलिए अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देते हैं। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मसालों को हमें चिकन में अच्छे से लगा देना है। चिकन के हम एक एक पीसेस में मसालों को बहुत ही अच्छे से लगा देंगे। मसाले कहीं पे कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें चिकन में मसाले लगा देना है। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। मगर दोस्तों, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इसमें ऐड नहीं किया था, तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। मगर जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें उसी टाइम पर ऐड कर देना है जिस समय हम मसाले ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हमें इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे भी जल्दी से कर लेते हैं। ये देखिए, चिकन में हमने मसालों को अच्छे से लगा दिया है। चिकन के एक एक पीसेस में हमने मसालों को बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए ढक्कन से ढक के रख देंगे मैरिनेशन के लिए। 1 घंटे बाद हम करेंगे इसको फ्राई। जब तक हम तैयार कर लेते हैं परफेक्ट चटनी। चटनी तैयार करने के लिए हमें ले लेना है मिक्सर का जार। मिक्सर के जार में हम ऐड कर देंगे धनिया पत्ते। चलिए अब हम इसमें 1 मुट्ठी धनिया पत्ते ऐड कर देते हैं। धनिया पत्ते ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 4 लहसुन की कलियाँ, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 7 से 8 हरी मिर्च। चलिए अब हम इसमें हरी मिर्च तोड़ के ऐड कर देते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच पिसी खटाई। पिसी खटाई ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक हमें इसमें स्वाद अनुसार ऐड कर देना है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद हमें जार का ढक्कन लगा देना है। फिर हमें तैयार कर लेना है चटनी। ये देखिए, परफेक्टली अपनी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रख देंगे साइड में और ले लेंगे फ्राई पैन। फ्राई पैन जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। चिकन को मैरिनेशन किए हुए 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। मगर गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। तो चलिए अब हम चिकन के एक एक पीसेस फ्राई पैन में ऐड कर देते हैं। चिकन को फ्राई पैन में ऐड करने के बाद चिकन के पीसेस को हमें तुरंत नहीं पलटना है, इसको हम 2 से 3 मिनट बाद पलटेंगे। क्योंकि हम इसको तुरंत पलट देंगे, जो भी इसमें मसाले लगे हैं वो छूट जाएंगे, इसलिए हमें इसको तुरंत नहीं पलटना है, 2 से 3 मिनट बाद पलटना है। तो चलिए अब हम 2 से 3 मिनट तक इसको एक साइड से फ्राई होने देते हैं। ये देखिए, चिकन को हमने एक साइड से फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम चिकन को पलट के दूसरी साइड से भी चिकन को फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम जल्दी से चिकन के पीसेस को पलट लेते हैं। और दोस्तों, चिकन को हमें मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। चिकन को दोनों साइड से फ्राई करने के बाद फिर हम लास्ट मोमेंट में गैस का कर देंगे हाई फ्लेम, और हाई फ्लेम में हम 1 से 2 मिनट तक चिकन को और फ्राई कर लेंगे, जिससे कि चिकन की आउटर कोटिंग हो जाएगी क्रिस्पी, जिससे चिकन बहुत ही लाजवाब और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो फिर चलिए हम 1 से 2 मिनट तक चिकन को और फ्राई कर लेते हैं हाई फ्लेम में। ये देखिए दोस्तों, चिकन को हमने हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, जिससे कि चिकन की आउटर कोटिंग हो चुकी है क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब। तो चलिए हम जल्दी से इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। फाइनली हमने चिकन को ट्रांसफ़र कर लिया है प्लेट में। देखने में कितना ही क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। दोस्तों, घर में आप इसको एक बार ट्राई कर लेंगे, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और दोस्तों, आपको चिकन बोनलेस फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चिकन बोनलेस फ्राई की रेसिपी कैसी लगी। और चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।